हेलो गाइस, दिस इज़ विहान। जैसे कि आपको पता होगा, असिस्टेंट मैनेजर क्लास टू की पोस्ट निकली है, जिसका एग्ज़ाम HPPSC कंडक्ट करवाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है सिलेबस, और सिलेबस में टॉपिक्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, रीड कर लेना। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं सिलेबस के ऊपर। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 25 मार्क्स का आपको ये आएगा पूरा पेपर। आपको 150 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चंस एक मार्क्स का होगा, और 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, आपको प्री निकालने के लिए कम से कम 35% मार्क्स आपके होने चाहिए सभी कैटेगरीज में, यानी कि 52.5 मार्क्स। क्लियर? चलिए इसके टॉपिक्स देख लेते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशंस, परसेंटेज, नंबर सीरीज, अर्थमेटिक एप्टीट्यूड, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एज प्रॉब्लम्स, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड स्पीड, प्रोबेबिलिटी, एवरेजेस, रेशोज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये टॉपिक्स आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। लेकिन मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए क्रैश कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और सभी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को फिलअप ज़रूर करिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, द नेक्स्ट इज़ रीजनिंग। अब दोस्तों, रीजनिंग भी आपकी 25 मार्क्स की होगी। इसके जो टॉपिक्स आपको रीड करने हैं, अल्फाबेट टेस्ट, एनालॉजी, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक टेस्ट, क्लासिफिकेशंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं। डाटा, और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस, ये आपका 20 मार्क्स का आएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या चीज़ें आपको रीड करनी है, अब इसके लिए कि डाटा इंटरप्रिटेशंस है क्या, इंटरप्ट डाटा क्या है, क्वालिटेटिव डाटा इंटरप्रिटेशंस क्या है, और इसकी टाइप्स क्या है। इसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाई डाटा इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, डाटा इंटरप्रिटेशंस की प्रॉब्लम्स, इसके टाइप्स, इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा, डाटा इंटरप्रिटेशंस मेथड, समरी, लिस्ट एंड टिप्स, ये सब कुछ आपको रीड करना है। लेकिन अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप एक नज़र मारोगे, मतलब 2-3 बार इन चीज़ों को रीड कर लोगे, तो आपकी माइंड में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर जब आप टेस्ट लगाओगे तो आप इजिली यहाँ से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप नहीं आएगा ये। ठीक है, बेसिक रहेगा, बेसिक के साथ थोड़ा सा फंडामेंटल रहेगा इसका। ठीक है, लेकिन ज़्यादा डीपली नहीं आएगा आपको। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेजेस 30 मार्क्स का आपको आएगा। इसके टॉपिक्स भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन वेज आपकी इंग्लिश रहेगी, एक्टिव एंड पैसिव डिटरमाइनर्स, कंजक्शंस, आर्टिकल्स, करेक्ट स्पेलिंग्स, द सेंटेंसेस, द पार्टिसिपल, प्रेपोजिशंस वगैरह, ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, 20 मार्क्स का आपको ये आएगा। ये ज़्यादातर आपको करंट अफेयर्स की पूछी जाएगी। करंट अफेयर्स यानी कि ये जो क्वेश्चन होंगे वो आपको लास्ट के 6 मंथ के जो हाईलाइटेड MCQs और बाकी के एग्जाम में जो पुटअप किए जा रहे हैं, ठीक है, अगर वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं मार्क्स जो वो अच्छे दिलवा सकते हैं, ये चीज़ें। क्लियर है? नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। अब इसकी भी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, आपके इंडियन गवर्नमेंट के MOUs हुए, ठीक है, जितने भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हुई, ठीक है, उनकी डेथ किससे रिलेटेड है, ठीक है, उनका बैकग्राउंड क्या है, अवार्ड से रिलेटेड हुआ, और कुछ आपके यहाँ पर कुछ फेमस चीज़ें हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको रीड करनी है। ये सारी चीज़ें आपको क्रैश कोर्सेज में अवेलेबल हैं, तो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं आप। अब दोस्तों, HPG के थोड़ा सा ही आपको आएगा, बेसिक के साथ रहेगा, ज़्यादा डीपली नहीं आएगा। ठीक है, इसका आपको इकोनॉमी और साथ में आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है, लेकिन ज़्यादा हिस्ट्री वगैरह रीड मत करना। ठीक है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में नहीं आएगा आपका, HP की हिस्ट्री वगैरह क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपके। ठीक है, बेसिक रहने वाला है इस चीज़ का। ठीक है, क्योंकि 30 मार्क्स में आपको ये सारा कवर मिलेगा, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, HPG के, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस 20 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। ठीक है, वाइवा आपका 50 मार्क्स का रहेगा। अब दोस्तों, वाइवा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी के लिए 45% आपको पास आउट चाहिए, यानी कि 22.5 मार्क्स। क्लियर है? और बाकी SC ST के लिए दोस्तों 35% आपके पास आउट होने चाहिए, यानी कि 17.5 मार्क्स। क्लियर है? ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करके उसको आप रीड कर लीजिए।
ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टीम से डिटेल्स लेकर किसी भी तरह की हेल्प आप ले सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप करके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।